रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 10 दिन से लगातार नाक से बह रहा था खून। जांच के बाद सामने आई ऐसी चीज की पैरों तले खिसक गई जमीन, बीजिंग। दक्षिण चीन से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर आई है, जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल हो सकता है। जोंक के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा। आमतौर पर जोंक भैंस के शरीर पर लगे हुए दिखते हैं, जो खून चूसते रहते हैं। बचपन में तो ये हमें ये भी बताया जाता था कि जोंक इंसानों की जान भी ले सकता है, लेकिन चीन से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे पढ़ने के बाद आपका दिमाग भरना जाएगा। चीन में एक 51 वर्षीय व्यक्ति की नाक में एक जोंक घुस गया था और उस शख्स को इस बारे में भनक भी नहीं लगी, जिसके बाद उस शख्स की नाक से लगातार 10 दिनों तक खून बहता जा रहा था। लगातार कई दिनों तक खून बहने का सिलसिला जारी रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए शख्स दक्षिण चीन में स्थित बीहे पीपल्स हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उनकी नाक की जांच नाक, कान और गले के एक संपर्क डॉक्टर लियू ने किया। डॉक्टर लियू ने शख्स को शांति बनाए रखने को कहा और नाक के दाहिने नोस्ट्रिल में औजार डाल दिए। इसके बाद डॉक्टर ने नाक से एक ऐसी चीज बाहर निकाली जिसे देखने के बाद शख्स के होश उड़ गए। डॉक्टर ने शख्स की नाक से एक जिंदा जोंक बाहर निकाला जो पिछले 2 हफ्तों से अंदर ही था। डॉक्टर लियू ने बताया कि नाक से खून बहने की शिकायत लेकर आया मरीज यूनान प्रांत का रहने वाला था। शख्स के पत्नी ने बताया कि उन्होंने पहले ही शख्स की नाक में कुछ अजीब सा देखा था। महिला ने बताया कि जोंक पहले तो शख्स के दाहिने नोस्ट्रिल में था और फिर वो अचानक गायब हो गया, जिसके बाद वह बाएं नोस्ट्रिल में दिख रहा था। हालांकि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि नाक में घुसी चीज आखिर क्या है। डॉक्टर ने बताया कि जोंक शख्स के नाक में कैसे घुसा इस बारे में कुछ साफ पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तैराकी के दौरान वह नाक के अंदर प्रवेश कर गया हो।